ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। रामनाथ गोविंद जी, नेशनल गेम के लिए एक छोटा सा मुद्दा है कि सबको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का नेशनल गेम हॉकी है, क्योंकि 6 times हम लोग ने गोल्ड मेडल हासिल किया है ओलंपिक्स में। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया का कोई भी डिक्लेयर्ड नेशनल गेम नहीं है, हमारे देश में कोई भी डिक्लेयर्ड नेशनल गेम है नहीं, तो वी डोंट हैव अ नेशनल गेम अकॉर्डिंग टू मी। बोट रेस इज फेमस इन केरला, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो श्री जवाहरलाल नेहरू जी। इंटरनेशनल एंथम इज रिटन बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर। ईयर्स दे वन 2 times, वन इज 1983 द टाइम ऑफ कपिल देव जी, एंड द अदर वन इज 2011। तो पहली इंडियन फिल्म जो थी, हिंदुस्तानी फिल्म जो थी, वो साइलेंट फिल्म थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और उसके बाद कुछ सालों के बाद एक फिल्म आई आलमारा, जो पहली ऑडियो फिल्म थी। हाउ मेनी स्टेट इंडिया हैज राइट नाउ? आई थिंक 29। फादर ऑफ द नेशन हमारे महात्मा गांधी जी। आई होप आई आंसर्ड एवरीथिंग करेक्टली। बचपन की अगर आपको मैं बताऊं, तो जब हम स्कूल जाते थे तो इंडिपेंडेंस डे का एक ही लक्ष्य होता था कि झंडा फहराने के बाद स्कूल में लड्डू मिलेंगे। तो बेसिकली लालच जो होता था वो लड्डू का होता था, कि झंडा जैसे ही फहराया जाएगा एक सलामी देंगे और लड्डू। जैसे जैसे बड़े होते गए, देश की हिस्ट्री के बारे में जानते गए, पता चलता गया कि कितने लोगों ने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, कितने लोगों की जाने गई हैं, कितना कुछ गया है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए। मैं बहुत बायस्ड हूँ अपने देश को लेकर। मुझसे कभी अगर कोई गलती से ये कह दे कि हिंदुस्तान में ये कमी है वो कमी है, तो मैं उनको 1000 अच्छी चीज़ बता सकता हूँ जो हमारे देश की, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की भाषाएं, हमारे देश की यूनिटी, ये दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। हेलो, दिस इज विपुल रॉय एंड आई विश ईच वन ऑफ यू इंडियंस अ वेरी वेरी इंडियन इंडिपेंडेंस डे।